जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो पिछले 2 दशकों से अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के शुरू होने की राह देख रहा था, उसे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 पावर प्लांट सेटअप करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। इस प्रोजेक्ट को 2010 में ही शुरू करना था, लेकिन इससे जुड़े हुए कई सारे विवादों के कारण इस प्रोजेक्ट का काम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये पूरा प्रोजेक्ट था क्या, किन किन कारणों के वजह से ये इतना डिले हुआ और इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या टोटल नंबर ऑफ कंसर्न्स है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2010 में फ्रेंच स्टेट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फर्म अरेवा और इंडियन स्टेट ओन न्यूक्लियर ऑपरेटर NPCIL या फिर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में हुई थी और यहाँ पर थर्ड जनरेशन EPR यानी यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स और न्यूक्लियर फ्यूल के सप्लाई को लेकर अग्रीमेंट साइन हुए थे। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद मदबन गांव में बनाया जाने वाला था और इस प्लांट में फ्रांस की कंपनी फ्रामाटोन द्वारा डिजाइन किए गए ये थर्ड जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स लगाए जाने वाले थे। ये जो 6 रिएक्टर्स होने वाले थे, यहाँ पर हर एक रिएक्टर 1650 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी वाला होने वाला था, जिसकी वजह से इस टोटल प्लांट की कैपेसिटी 9900 मेगावाट या 9.96 गीगावाट की होने वाली थी, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरे के पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बन जाने वाला था। इस प्रोजेक्ट के पर मेगावाट कंस्ट्रक्शन के ऊपर अराउंड 20 करोड़ का खर्च आएगा ऐसा कहा गया था, जो कि कोल पावर प्लांट्स के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा महंगा था। लेकिन ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि एक बार जब यह पावर प्लांट रेडी हो जाता था उसके बाद में डे टू डे उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट कोई भी कोल पावर प्लांट से काफी कम रहते। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अराउंड 13 बिलियन डॉलर्स की बताई गई थी, जो प्रोजेक्ट में हो रही डिलेस की वजह से बढ़ती जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट में डिलेस क्यों हुए उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट जो लोकल्स थे, इनके द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और ऐसा बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के बनने की वजह से काफी ज्यादा गलत असर पड़ेगा एनवायरमेंट पे और जियोलॉजिकल इश्यूज भी उठ सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर पहला जो मेजर इशू था वो थी इसकी न्यूक्लियर डैमेज की लायबिलिटी। 2010 में इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल, जो कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट में दोषी समूहों के लीगल बाइंडिंग से रिलेटेड था और इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ ऑपरेटर यानी कि NPCIL ही मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के अगेंस्ट केस कर सकता है और जो विक्टिम्स होंगे उन एक्सीडेंट्स के वो केस नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं होगा, जो कि अगर देखा जाए तो एक सही बात नहीं है। दूसरा जो इशू था वो था अर्थक्वेक को लेकर। जैतापुर साइज़मिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर मौजूद था। अर्थ हैज़र्ड ज़ोनिंग ऑफ इंडिया के अनुसार ये जोन 3 साइज़मिक एक्टिविटी रीजन में आता था, जिसकी वजह से एक मॉडरेट रिस्क यहाँ पर था और अर्थक्वेक अगर यहाँ पर आता तो ये एक डेंजरस बात होती, जिसकी वजह से ये इशू था। थर्ड इशू था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से एनुअली प्रोड्यूस होने वाले 300 टन ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने की। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की फंक्शनिंग समझते हो तो आप जानते हो कि न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करना काफी सस्ता तो होता है, लेकिन इसके बाद में जो डिप्लीटेड फ्यूल होता है उसे स्टोर करना पड़ता है हजारों सालों तक। यहाँ पे उसके स्टोरेज के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो वो रेडियोएक्टिव डैमेज कर सकती है और इस प्लांट के बारे में वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा वो बात क्लियर नहीं थी। फोर्थ इशू था लीकिंग रेडिएशन। रत्नागिरी अपने हाई क्वालिटी आम और कैशूज के प्रोडक्शन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि अगर ये पावर प्लांट बनता है तो इसके रेडिएशन की वजह से ये जो कैशूज और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है इनके ऊपर इसका असर पड़ेगा, इनकी क्वालिटी खराब होगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को नुकसान होगा। फिफ्थ इशू जो था वो था इस प्लांट के स्टार्ट होने के बाद 5200 करोड़ लीटर हॉट वाटर के ओशन में रिलीज किए जाने का। जब न्यूक्लियर फ्यूल सेल्स के अंदर पानी गर्म हो जाता था उसके बाद में उसे डंप किया जाने वाला था समुद्र के अंदर, और इतना ज्यादा गर्म पानी समुद्र में डंप होगा तो यहाँ की लोकल फिशिंग इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कई लोगों का कहना था, जिसकी वजह से भी इसे विरोध मिला। सिक्स्थ जो एक मेजर इशू था इस प्लांट के अंदर वो था EPR टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ये टेक्नोलॉजी फ्रांस, फिनलैंड, चाइना इन देशों के अंदर अपने फ्लॉस को लेकर फेल हो रही थी
और फिलहाल पूरे वर्ल्ड में ईपीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव नहीं है। इसके वजह से अगर जैतापुर में ऐसे एक अनटेस्टेड या कह सकते हो बैडली रिजल्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि जैतापुर में कोई बहुत बड़ी न्यूक्लियर ट्रेजेडी हमें देखने के लिए मिलती। आप सबने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जो कि इंडिया के हिस्ट्री के अंदर नहीं लेकिन दुनिया के हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स है, और ऐसी सिमिलर चीजें यहाँ पर हो सकती थी ऐसा अनुमान था। आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कुको एफएम पर सुन सकते हो, जहाँ पर इसके साथ साथ आपको कई हजार ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और कई सारा दूसरा ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मिलेगा। अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए आप कुको एफएम के इन रिच ऑडियो कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करने के लिए अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 50% का बेनिफिट मिल सकता है परचेसिंग प्राइस पर PT50 कोड को इस्तेमाल करने की वजह से। तो लिंक पर क्लिक करें और सिर्फ पहले 250 यूजर्स को कुको एफएम की तरफ से 50% का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेस करने पर। तो अभी दिए गए लिंक में से कुको एफएम को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद में हुआ क्या, टिस या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के जमशेद जी टाटा सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की इस प्रोजेक्ट के ऊपर आई इंडिपेंडेंट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिव्यू रिपोर्ट की बात अगर कहे तो वहां पर क्लियरली ये बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन के साथ में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। प्रोजेक्ट की वजह से कोंकण रीजन में सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पर होने वाले ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइड भी किया गया है, ऐसा भी टिस्क रिपोर्ट में कहा गया है। और इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हो रहे प्रोटेस्टर्स को भी इसके क्लियरिंग के समय इग्नोर किया गया, ऐसा भी कहा गया है। हालांकि फरवरी 2014 तक सभी 2336 टाइटल होल्डर्स को लैंड कॉम्पनसेशन दिया जा चुका है इस प्रोजेक्ट की जमीन के लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी कंसर्न्स थे, जो भी हर्डल्स आए, इन सारे चीजों को पार करते हुए मार्च 2018 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की प्रेजेंस में EDF और NPCIL के द्वारा इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड अग्रीमेंट पर साइन किया गया और ये फैसला किया गया कि इसके कंस्ट्रक्शन को 2021 से लेकर 2030 के बीच में शुरू कर दिया जाएगा और अभी ये उसी प्रगति पथ पर है। चलिए अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट से होने वाले एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बिजली बनेगी उसके वजह से 7 करोड़ इंडियन हाउसहोल्ड्स को बिजली मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ये होगी तो ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होगी। 8 करोड़ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस वजह से एटमॉस्फेयर में हर साल जाने से बचेगा और इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा उठाएगी, हजारों लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेंगे। इसके अलावा NPCIL ने ये डिक्लेयर भी किया था कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनमें से 1.5-2% सिर्फ रत्नागिरी एरिया के अंदर डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे और साथ साथ इंडिया और फ्रांस के बीच की पार्टनरशिप भी स्ट्रांग होगी। अगर इन कंक्लूजन कहे तो डे बाय डे इंडिया की बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स, एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिशों के लिए जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करना एक काफी इंपॉर्टेंट फैसला था। प्रोजेक्ट के अंदर इश्यूज नहीं है ये बात सही नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर इश्यूज है और उन्हें सॉल्व करना भी जरूरी है, एक प्रॉपर बैलेंस कंक्लूजन पर पहुंचना जरूरी है। महाराष्ट्र को इसके से बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, दूसरे कई रीजन को इसके से इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेंगे और इन बेनिफिट्स को भी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता इस वजह से जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन चीजों के वजह से। लेकिन फिलहाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये एक राइट ट्रैक पर फिर से आ गया है और अगर चीजें और ज्यादा बिगड़ती नहीं है तो जल्द इसका कंस्ट्रक्शन हमें शुरू होते हुए नजर आएगा, जहां पर ना सिर्फ देश का लेकिन दुनिया का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में हमें बनता हुआ नजर आएगा। फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर PD50 इस कोड को इस्तेमाल करने पर आपको 50% का बेनिफिट मिलेगा। तो लिंक पर अभी क्लिक करें।